अभी दिल्ली में आज जो है डीटीसी के वर्कर्स का स्ट्राइक चल रहा है। जी मैं गया हुआ था वहाँ पे, कुछ एक लोगों से मैंने बातचीत की, तो दो चीज़ें मोटा मोटी मेरे समझ में आई कि एक तो कि वो लोग जो हैं उनका डिमांड है कि उनको परमानेंट किया जाए, उनमें काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि इसकी संभावना उन्हें दिख नहीं रही है। दूसरा एक मांग कर रहे हैं वो लोग कि समान काम का समान वेतन होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली की कौन सी, सरकार, दोनों सही बात है या पहली बात बिल्कुल है दोनों या ही बात है। दूसरी? समान काम समान वेतन जो है, ये हमारा आपका या उनका कहना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा हुआ है ठीक। कि भाई समान काम हो तो समान वेतन मिलना चाहिए। अब दिल्ली की सरकार, मन तो सबका है, हमारे तो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम सबको परमानेंट कर दें, हमारे घोषणा इसी के पत्र में आप लिखा हुआ चुनाव भी है। जीते हमने जब परमानेंट करने की शुरुआत करी गेस्ट टीचर से, माननीय एलजी साहब ने उसको अटका दिया। अटका दिया, वो फाइल लंबित रही। लंबित रहने के बाद दिल्ली सरकार के अधिकारों का हनन हुआ, हम सुप्रीम कोर्ट गए, और अभी स्थिति यह है कि सर्विसेज का मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है। एक आखिरी सुनवाई भी अभी भी बची हुई है। हम उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझेगा कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट्स, ये तमाम चीज़ें दिल्ली की सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने कितने ज़रूरी हैं, कि ये जब अधिकार उनको मिल जाते हैं तो सुचारू ढंग से सरकार काम कर पाएगी, जहाँ जिसको उपयुक्त समझेगी वहाँ उसको नियुक्त कर पाएगी या वहाँ से किसी का ट्रांसफर कर पाएगी। इस अधिकार की अनुपस्थिति में दिल्ली की सरकार का भी बहुत तगड़ा जो हाथ है वो उनसे कटा हुआ है, छटा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये हाथ जब हमें मिल जाएगा मैं आपको तो हम वापस कॉन्ट्रेक्चुअल डीटीसी एम्प्लॉयमेंट, वाले कॉन्ट्रैक्ट वाले वर्कर्स पे लाना चाहूंगा। कॉन्ट्रेक्चुअल पर हम किसी भी, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट एनी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज, वी स्टार्टेड विद गेस्ट टीचर्स, पर एक नहीं कर पाए तो बाकी कहाँ से करें? कोई भी नहीं कर पाएंगे हम तो, क्योंकि सर्विसेज मैटर हमारे पास है ही नहीं। आपने प्रयास किया डीटीसी के कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स को परमानेंट करने का? नहीं कर सकते ना, अभी तो कोर्ट ने हमारे खिलाफ, आप भूल गए, अगस्त के महीने में हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ निर्णय देते हुए कहा कि भाई सब कुछ अब एलजी करेगा, दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटिव एलजी है, सारा मामला खत्म हो गया। वहां के बाद उसी के बाद तो मामला कोर्ट में चला। अब कोर्ट का कंटेम्प्ट करें हम तो गलत बात हो जाएगी। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट के ओर से हमारी हाथ अगर मजबूत कर दिए जाते हैं, हमारे हाथ मजबूत होंगे मतलब सर्विसेज मैटर दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, ये अगर तय हो जाता है तो ये तमाम कामों को करने में हमें बहुत सुविधा होगी। फिर एक चीज जो मैंने महसूस की जब मैं उस प्रोटेस्ट को देखने गया, लोगों से बात करने गया, तो एक जो बात आप बता रहे हैं ये कोर्ट वाली बात, ये बात वहां पे भी लोगों को, कुछ एक लोगों को पता है, लेकिन ओवरऑल लोगों का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी को हमने चुना, केजरीवाल जी हमारे, उनके लिए हमने टोपियां पहनी, उनको हमने चंदे दिए, बहुत सारे बस ड्राइवर 15-15 साल से, सही बात। उनका ये कहना है कि लेकिन उसके बावजूद वो हमारे लिए अभी कुछ नहीं कर रहे, उनका कोई मंत्री कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है नहीं, हमारे गलत पास। बात है, ऐसा नहीं है। तो उनसे आप पूछिए, उनसे पूछना चाहिए था, आपके घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है? अगर लगा हुआ है तो कम से कम बता रहा हूँ मैं, 1000 रुपये महीने का, यानी साल का 12,000 और 5 साल का 60,000 रुपये कैसे सरकार उनका बचाएगी? उनके घर में अगर पानी आता है, मीटर लगा हुआ है, तो 500 रुपये महीने के हिसाब से 5 साल में 30,000 ये सरकार उनके बचा रही है। 60,000, 30,000, 90,000 आसपास मोहल्ला क्लिनिक होगा, 10-15 रुपये खाली खांसी जुकाम का दवाई, वायरल का फीवर का दवाई लेने में जाता है। 1 लाख रुपया कैश सिर्फ इन तीन सुविधाओं सेवाओं से सरकार उनकी जेब में रख के दे रही है। बाकी तमाम फायदे अलग, स्कूल अच्छे किए, अस्पताल अच्छे किए, नालियां बनवाई, गलियां बनवाई, वो यहीं के तो नागरिक हैं। इन तमाम सुविधाओं का, योजनाओं का लाभ किसको मिल रहा है? तो सरकार ने बहुत सारे काम किए। सरकार अपनी सीमाओं को लेकर परेशान है। पूर्ण राज्य बन जाए तो कोई किचकिची नहीं है। पूर्ण राज्य भाजपा भी बनाने को कहती थी, कांग्रेस भी बनाने को कहती थी। हमने जब कहा तो सबने यूटर्न मार लिया। तो ये तमाम चीजें उन लोगों को भी समझनी चाहिए, और उनकी अपेक्षाओं का हम सम्मान करते हैं, जिससे उम्मीद नहीं होती है, लोग उससे सवाल नहीं करते। हमें अच्छा लग रहा है कि हमसे उनको उम्मीदें तो हैं, वो उम्मीदें ही हमें आगे चलाएंगी। हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब कोर्ट से निर्णय हमारे पक्ष में निकल के आएगा तो उनके हित के तमाम सारे काम और ज्यादा काम हम कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि उन सब लोगों के लिए संदेश है कि थोड़ी सी ताकत और दो, ये सरकार तो रिपीट होने वाली है, सब जानते हैं। थोड़ी सी ताकत का मतलब ये कि अगर 7 और सांसद आ जाते हैं तो जितना अड़ंगा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, एलजी ऑफिस लगाता है, शायद ये उतना अड़ंगा तब नहीं लगा पाएंगे। तब और ताकत और मजबूती से केजरीवाल जी काम करेंगे और 2-4 काम केंद्र सरकार से भी करवा के ले आएंगे। ये थे हमारे साथ, बातचीत कर रहे थे दिलीप पांडे जी, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उत्तरी पूर्वी दिल्ली के प्रभारी भी हैं संसदीय क्षेत्र के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप पांडे जी हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया।